दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में लेमिटेक किड टेबलेट के बारे में और जानेंगे यह कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कितने दिन तक इस टेबलेट का यूज किया जाता है, कितनी इसकी डोज होती है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसकी सावधानियां हैं और क्या इसकी आदत भी पड़ सकती है या नहीं पड़ती, इन सभी बातों के बारे में रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों लेमिटेक किड टेबलेट सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसका जो मैन्युफैक्चर है सिप्ला कंपनी करती है। प्राइस की बात करें तो ये आपको 20 रुपये की एक स्ट्रिप हर दवा की दुकान पर मिल जाएगी। दोस्तों शेड्यूल आज के अंदर आती है, डॉक्टर की सलाह से ली जाती है, सेल्फ यूजेज का मत कीजिएगा। देखिए इसके अंदर जो कंटेंट आता है वो है लेमोट्रीगिल 5 मिलीग्राम के अंदर। दोस्तों ये टेबलेट एडल्ट पर्सन के लिए नहीं है। एडल्ट पर्सन अगर लेना चाहते हैं तो वो 25 मिलीग्राम से स्टार्ट होती है, 25, 50 और 100, तो उस हिसाब से इसकी डोज होती है। लेकिन ये बच्चों के लिए है, ये किड टेबलेट है, इसे सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाया गया है। तो बात करते हैं कौन सी प्रॉब्लम में ये काम आती है। देखिए ये अगर एपिलिप्सी की प्रॉब्लम है यानी मिर्गी दौरे की प्रॉब्लम है, मिर्गी आती है, दौरे आती है, तो उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है यदि मूड चेंज की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मूड चेंज होता रहता है, फोकस नहीं रह पाता, कंसंट्रेट नहीं रह पाता, तो इन प्रॉब्लम में भी ये बाइपोलर डिसऑर्डर प्रॉब्लम में भी ये डॉक्टर दे सकते हैं। किस तरीके से काम करती है, देखिए ये कुछ मसल्स को रिलैक्स करके काम करती है। अगर बहुत ज़्यादा तनाव रहता है मसल्स पर तो उसको रिलैक्स कर देती है, जिससे कि व्यक्ति का मूड चेंज हो सके और वो काफ़ी रिलैक्स फील कर सके, और कुछ केमिकल मैसेंजर के बढ़ाकर भी ये मूड को चेंज कर सकती है। इस तरीके से काम करती है। डोज की बात करें तो इसकी एक सुबह एक शाम भी हो सकती है, दिन में एक भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है दोस्तों पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। देखिए ड्यूरेशन की बात करें तो ये कुछ लंबी भी चल सकती है, जैसे कि कुछ मंथ के लिए, कुछ दिनों के लिए भी चल सकती है, कुछ वीक के लिए भी चल सकती है, ये सब कंडीशन को देखते हुए निर्धारित किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। देखिए इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर कोई ले रहा है तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लाइट सतत रह सकता है, वोमिटिंग हो सकती है यानी लेने के बाद उल्टी हो सकती है, कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस टेबलेट का यूज़ करने के बाद। इसकी दोस्तों सावधानी बहुत ज़रूरी है जो कि पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप डोज भूल गए हो तो अगले दिन आपको डबल डोज नहीं लेनी है, और गाड़ी चलाते समय भी इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि नींद आ सकती है। तो ये कुछ इसकी सावधानियाँ हैं। अगर आपको इस सोल्ट से यानी लेमोट्रीगिल सोल्ट से एलर्जी होती हो तो इसका उपयोग मत कीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। फुल रिव्यू था लेमिटेक किड टेबलेट के बारे में। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और कौन सी मेडिसिन पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखने